जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता शामिल हुए। श्रीनगर में आयोजित एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने केंद्र में भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं देखा जाए तो पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमए रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में संकल्प सत्याग्रह किया। दी अर्थ न्यूज डेस्क के लिए कश्मीर से फिरदौस की रिपोर्ट।